हेलो दोस्तों, वक्त आ गया है मंकीज बम गैंगबिट एक्सेप्टेड के लिए। एक्सेप्टेड बहुत सारे लोग एक्सेप्ट ही करेंगे, इसका मतलब मेरा मतलब है कि ज़्यादातर लोगों को ये लाइन पता नहीं है, तो डीप और सेंटर पॉन कौन नहीं मारना चाहेगा। देखते हैं चलिए एक्सेप्टेड में क्या होता है, बहुत ही मजा आएगा खेलने में अगर किसी ने आपकी जो गैम्बिट है एक्सेप्ट कर ली, और ज़्यादातर मेरे हिसाब से एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। G6 के बाद आपका सेकंड मूव बिशप C4, बिशप G7, धैन क्वीन F3, स्लाइट लाइक ए स्कॉलर मेट। यहाँ पे F6 पॉसिबल नहीं है, नाइट F6 मैंने बताया था, यहाँ पे E6 इज बेस्ट ऑप्शन। और यहाँ शुरू करते हैं सेक्रीफाइस ऑफ D4 पॉन। सेक्रीफाइस के पीछे बहुत ही जबरदस्त रीजन है, आप बिशप को वहां से बाहर निकालने का प्लानिंग है। बिशप टेक्स D4, अब यहां से देखिए कि आपको क्या करना है, नाइट C3। अब नाइट C3 में बिशप टेक्स C3 एक वेरिएशन है, और बिशप टेक्स C3 में यहाँ पे सिंपल आपको क्वीन टेक्स C3 करना है, और बिशप क्वीन से डायरेक्टली रुक पे अटैक, और उसके बाद कंप्लीटली आपकी फेवर में है गेम, क्योंकि नाइट F6 या कुछ भी करता है E5 देन प्रेशर ऑन सेंटर, और आपके दो दो पीस जबरदस्त एक्टिव हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक ये वेरिएशन है बिशप टेक C3। अब यहाँ दूसरा वेरिएशन है बिशप G7। ब्लैक अगर बिशप को रिटर्न ले लेता है वापस से कि पॉन ले लिया, बहुत हो गया, हमें इतने में संतोष मान लेते हैं, चलो पॉन मिल गया है, आराम से गेम खेलेंगे, गेम को एंड गेम ला देंगे और गेम विनिंग हो गई। लेकिन एंड गेम आने से पहले कितना कुछ खतरनाक अटैक सहन करना पड़ता है ये दिखाएंगा मैं आपको। BG7 के बाद तुरंत H5, H4 के बाद ब्लैक नेचुरल मूव है H5, क्योंकि H5 नहीं खेलेगा तो नेक्स्ट रेट हमारी H5 हो सकती है। तो यहाँ पे आपको खेलना है बिशप G5। BG5 के बाद एक वेरिएशन ऐसा है Ne7। Ne7 यहाँ पे बिशप F6। बिशप F6 के बाद ब्लैक करेगा कैसल, क्योंकि बिशप टेक्स G7 है। दूसरा वेरिएशन है ब्लैक के पास बिशप टेक्स F6। ये दो वेरिएशन है। यहाँ पे हम पहले देखते हैं कैसलिंग के बाद आपको क्या करना है। कैसलिंग में आपको खेलना है बिशप टेक्स G7, किंग टेक्स G7 और उसके बाद G4। और अब ये अटैक कोई भी सहन नहीं कर सकता, क्योंकि किंग उसका डिस्टर्ब हो चुका है, यहाँ से ब्रेक होने के बाद टोटली अटैक आ रहा है। मानो कि G4 यहाँ पे ब्लैक ने एक मूव हम पीछे जाते हैं दोस्तों, कैसलिंग के बदले और क्या खेल सकता है यहाँ पे, सिंप्लीफाई, जैसे कि पॉन प्लस से मार दो, बाद में रुक को मूव करेंगे या कैसल कर लेंगे क्वीन F6, उसके बाद रुक G8। अब कैसलिंग मेरे हिसाब से बेटर नहीं है, क्योंकि कैसलिंग के बाद तुरंत अटैक आता है। तो यहाँ पे रुक G8 एक सिंपल मूव है, यहाँ आपको खेलना है लॉन्ग कैसल। लॉन्ग कैसल के बाद Nb C6। अब देखिए दोस्तों, ये गेम में आपको तुरंत कुछ नहीं मिल रहा है, आप बता रहे हो कि ये ट्रैप कैसी है, कोई ट्रैप नहीं है, एक पोजिशनल स्ट्रांग प्ले की एक ये निशानी है। इसमें खास आप D4 सेंटर पॉन देते हो, सेंटर पॉन देना, मैं बहुत सारे लोगों को मना करता हूँ कि कभी भी सेंटर पॉन स्टार्टिंग में नहीं देना चाहिए, लेकिन इसमें आपको फायदा क्या होता है सेंटर पॉन कंपेंसेशन, ये है कि यहाँ आप देख सकते हो कि ब्लैक की जो पोजिशन है टोटली एकदम बैड पोजीशन है, डिफेंसिव पोजीशन है, जिसमें से जल्दी बाहर ब्लैक आ ही नहीं सकता। कैसलिंग उसका रुका हुआ है, और ये मेन फायदा है, मेन बेनिफिट है, गेम जीतने की निशानी है वाइट के लिए। तो नाइट Bc6 के बाद यहाँ आपको खेलना है नाइट F3 देन नाइट G5 आइडिया। तो नाइट F3 के बाद ब्लैक रिप्लाई देगा D6, नेचुरल मूव है, क्योंकि ये बिशप को भी तो बाहर निकालना पड़ेगा। D6 के सामने आपको खेलना है नाइट G5, उसके बाद ब्लैक खेलेगा नाइट E5। नाइट E5 इसलिए कि यहाँ पे क्वीन F7 की थ्रेट है, नाइट E5 और यहाँ आपके बिशप पे भी अटैक है, तो यहाँ आपके पास एक बेस्ट मूव है F4। अब नाइट टेक्स C4, सैक्रिफाइस कर दिया आपने बिशप, कोई बात नहीं, तुरंत सब कुछ मिलने वाला है, क्वीन टेक्स F7 और यहाँ पे किंग E7 फोर्स मूव आफ्टर क्वीन E6, किंग E8 और क्वीन टेक्स C4 और कंप्लीटली
ब्लैक के व्हाइट के फेवर में ये गेम आ गई है। चलिए दोस्तों एक और वेरिएशन देखते हैं, एच फोर के बाद एच फाइव। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि एच फाइव तुरंत करने से क्या होता है, बिशप जी फाइव आपका जो मेन मूव है। यहाँ पे एक और भी ऑप्शन है, नाइट ई सेवन के बदले ब्लैक क्या खेल सकता है, नाइट ई सेवन के बदले ब्लैक कैन प्ले द एफ सिक्स। एफ सिक्स में आपको रिप्लाई देना है सिंपल बिशप ई थ्री, और वीकनेस यहाँ पे क्रिएट हुई किंग साइड। सिंपल बिशप ई थ्री के बाद आफ्टर बिशप ई थ्री ब्लैक विल प्ले एन जी ई सेवन। यहां आपको करना है लॉन्ग कैसल, ब्लैक खेलेगा एन बी सी सिक्स, नेचुरल मूव है, और यहां पे बिशप टेक्स ई सिक्स। लॉन्ग कैसल के बाद डायरेक्टली डी सेवन पॉन पिन हो रहा है, तो ये भी आपको एक एडवांटेज है। एफ सिक्स के बदले और भी हम मूव चेंज करेंगे, एफ सिक्स के बदले बी जी फाइव का रिप्लाई बिशप एफ सिक्स हो सकता है, बिशप एफ सिक्स ये भी कर सकते हैं ब्लैक, क्योंकि ऑलरेडी पॉन अप है तो एक्सचेंज करना क्यों नहीं चाहेगा। बिशप एच सिक्स में यहां पे आपको खेलना है नाइट एच थ्री, डेवलप करो, मारने में टाइम वेस्ट मत करो। आफ्टर नाइट एच सिक्स एन बी सी सिक्स ब्लैक भी डेवलप करेगा, मारने में वो भी टाइम वेस्ट नहीं करता है, और यहां पे भी आप लॉन्ग कैसल कर दो। अब नेक्स्ट मूव में लॉन्ग कैसल के बाद ब्लैक खेलेगा नाइट डी फोर काउंटर अटैक। नाइट डी फोर में मैं बेस्ट मूव आपको बताऊंगा, यहां पे रुक टेक्स डी फोर, रुक टेक्स डी फोर में अगर बिशप टेक्स रुक किया तो बिशप टेक्स क्वीन, और बिशप टेक्स बिशप में आप सिंपल पीस प्लस होते हो, तो नाइट डी फोर पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा मूव हम करते हैं, नाइट डी फोर के बदले ब्लैक क्या खेल सकता है, नाइट ई फाइव। यहां पे देखो नाइट बी सी थ्री करने का रीजन क्या है कि नाइट से क्वीन फॉर्क देना, नाइट डी फोर तो बैड मूव है। यहां हम देखेंगे नाइट ई फाइव, नाइट ई फाइव में आपको क्या रिप्लाई देना है, यहां पे सिंपल क्वीन ई टू, नाइट टेक सी फोर, कोई भी प्लेयर अटैकिंग पीस को मारना चाहेगा। नाइट सी फोर में क्वीन सी फोर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोजीशन स्ट्रांगली है, सी सिक्स जरूरी है, डी फाइव करने की थ्रेट है, यहाँ पे आपको ही ई फाइव कर देना है क्योंकि बिशप टेक्स ई फाइव पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बिशप ई सेवन और यहाँ नाइट ई फोर, अब ये पोजीशन कंप्लीटली आपके फेवर में। नेक्स्ट थ्रेट है नाइट डी सिक्स चेक, बहुत ही डेंजर चेक आ रहा है यहाँ पे, और इस गेम में काफी हद तक व्हाइट विनिंग है। तो दोस्तों दूसरा वेरिएशन देखते हैं, एन बी सी सिक्स के बदले एक थोड़ा सा चेंजिंग, हम लॉन्ग कैसल के बाद व्हाइट ने खेला लॉन्ग कैसल, यहां एक मूव और भी है डी सिक्स, सिंपल रिप्लाई ब्लैक कर सकता है डी सिक्स, ताकि बिशप ई सिक्स की थ्रेट भी कभी बनी नहीं रहे। डी सिक्स में आपको रिप्लाई देना है जी फोर। अब देखिए ये गेम आप बहुत तरीके से खेल सकते हो, मैंने ओपनिंग के कुछ ही स्टेप बताए हैं आपको, लेकिन आपको पोजीशन याद रखनी है। ये पोजीशन में आप जी फोर अटैक भी कर सकते हो, एच क्रॉस जी फोर करना जरूरी है। यहाँ पे क्वीन जी फोर, और क्वीन जी फोर के बाद ब्लैक खेलेगा ई फाइव, और ई फाइव के बाद क्वीन एफ थ्री, क्योंकि डिस्कवर्ड अटैक आता है तो क्वीन को बचाना है। नाइट यहाँ पे नाइट डी फोर पॉसिबल है, लेकिन मेरे हिसाब से ये स्ट्रक्चर भी व्हाइट के फेवर में है। आप ये गेम, ये सारे मूव नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इजी है ओपनिंग, सिर्फ आपको ध्यान रखना है बिशप डी फोर वाला पॉन सैक्रिफाइस करके खेलना है इस लाइन में, मंकीज बम गैम्बिट, अटैक बहुत मिलेगा दोस्तों। एक पॉन डाउन होंगे हालांकि शुरुआत से, लेकिन अटैक बहुत ही मिलेगा खेलने में व्हाइट से। ऑलरेडी जो व्हाइट प्लेयर है उनको अटैकिंग लाइन नहीं मिलती है तो उनको खेलने में मजा नहीं आता। हमारे पास अगर जब भी व्हाइट पीसेस है तो मैं जितना भी सोचूं मैं अटैकिंग लाइन के बारे में ही सोचता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अटैकिंग लाइन पसंद है, क्योंकि एक पॉन दो देने से अगर गेम को सिंप्लीफाई नहीं करते हैं और अटैक कंटिन्यू मेंटेन रखते हैं तो वो गेम आपके ही फेवर में रहते हैं। तो जल्द ही मिलेंगे नई ओपनिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय गुजरात।